वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे हम एसक्यूएल लैंग्वेज में डाटाबेस क्रिएट करें, देन उसमें इंसर्ट करें वैल्यूज़ को, उसके बाद हम कैसे हम सिलेक्ट करके डाटाबेस को देखें। सबसे पहले हम डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे कनेक्ट एस sysdba और एंटर। यूज़र नेम मांगेगा, उसमें टाइप करेंगे सिस्टम, फिर पासवर्ड, पासवर्ड में टाइप करेंगे सिस्टम, तो देखेंगे ऐसे ये डाटाबेस कनेक्टेड हो जाएगा। देन हम क्रिएट करेंगे टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जैसे हमने टेबल नेम टाइप किया है टैली, देन ब्रैकेट को करेंगे शुरू, एंटर, ब्रैकेट को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रोल नंबर, रोल नंबर हमें इंटीजर टाइप लेना है तो हम टाइप करेंगे इंट, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगला हम कॉलम टाइप करेंगे नेम, और नेम को हमने टेक्स्ट में लिखना है तो हम लेंगे बैर कैर, और कितना साइज लेना है टाइप करेंगे 20 कॉमा, उसके बाद हम थर्ड कॉलम टाइप करेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट हम फेल पास में चाहते हैं तो इसे लेंगे बैर कैर, और साइज लेंगे ब्रैकेट बंद एक दूसरी ब्रैकेट, एक हमने स्टार्टिंग ब्रैकेट की थी वो वाली क्लोज करेंगे, एक साइज वाली, तो हम सेमी कॉलन टाइप करके एंटर मारेंगे तो ऐसे ये टेबल क्रिएटेड हो जाएगा। देन हमारा टेबल खाली है, इसमें डाटाबेस इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड टाइप करेंगे, इंसर्ट इनटू टैली, यानी टैली टेबल नेम है। देन उसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, हमारे जो हमारे तीन कॉलम्स हैं जैसे हमने ऊपर लिए हैं वो कॉलम नेम लेंगे रोल नंबर, देन कॉमा, उसके बाद हम लेंगे नेम दे रिजल्ट, जहाँ पे इसका इंटीजर साइज वो कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, खाली हम कॉलम नेम लेंगे और एक ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद एंटर, उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जैसे हमारा रोल नंबर है उसके तरह इंटीजर टाइप हम टाइप करेंगे 1, और दूसरा हमारा टेक्स्ट टाइप है उसमें हम सिंगल, यहाँ पर सिंगल कॉमे में टाइप करेंगे स्टूडेंट नेम प्रवीण, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट में अगला है रिजल्ट, हम टाइप करेंगे सिंगल कॉमे में इसको पास, तो ब्रैकेट हम बंद करके सेमी कॉलन पाएंगे तो एंटर मारेंगे, एक 1 रो क्रिएटेड हो गई। हमने ऊपर देखा एक तरीका, और दूसरा तरीका देखेंगे, जैसे कि ऊपर हमने कॉलम नेम लिए हैं वो नहीं लेंगे तो सीधा वैल्यू भी इंसर्ट कर सकती हैं, जैसे इंसर्ट इनटू टैली, और यहाँ पे हम एंटर मारने के बाद सीधा वैल्यूज़ भी पुट कर सकती हैं, जहाँ पर टाइप करेंगे वैल्यूज़, उसके बाद हमने दूसरा सेकंड रो क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे रोल नंबर 2, न्यू अगले नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम और उसका रिजल्ट हम टाइप करेंगे सिंगल कॉमा में, और ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन पाएंगे तो देखेंगे हमारी अगली नेक्स्ट रो भी क्रिएट हो गई। इसी तरह हम थर्ड रो भी इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने पहले स्टेप देखे हैं इस तरह सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, रोल नंबर 3 और नेम लिखेंगे थर्ड स्टूडेंट का, और उसका रिजल्ट को टाइप करके उसे सेमी कॉलन डालेंगे तो हमारी 3 रो क्रिएटेड हो गई। यदि हमने डाटाबेस में देखनी हो तो 3 रो कैसी है शो होती टेबल में, उसका भी कमांड है। इसके लिए लास्ट हम कमांड टाइप करेंगे सिलेक्ट, यहाँ डाटा सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद हम डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल, टेबल नेम टैली, तो सेमी कॉलन, जैसे हम एंटर मारती हैं तो हम देखते हैं हमारा जो हमने रो 3 क्रिएट किया ऐसे शो होगी, कॉलम नेम, ठीक है, रोल नंबर, नेम, रिजल्ट, ऐसा शो होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग।